तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रायिकता। प्रायिकता जो आपका मैथ का जो चैप्टर है उसमें जो प्रायिकता है उसका मैं आज पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ, जो उसमें ताश की गड्डी में जो आता है क्वेश्चन उसका मैं पूरा इसमें निचोड़ लेकर आ गया हूँ आपके लिए। क्योंकि अगर आपने वीडियो फ्रेंड्स देख लिया तो इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो ताश वाले पत्तों के जो आते हैं कार्ड्स वाले प्रायिकता उसको निकालना तो आप एकदम आसान से हो जाएगा आपके लिए, तुरंत ही आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे। क्योंकि यार मैं इसमें आपको कुछ ऐसे जादू ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल ही आसानी से अपनी प्रायिकता को कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम के गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए आप पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम सवाल पे भी आएंगे, सवाल भी आपको बताएंगे कैसे किया जाए। देखिए हमारे ताश के पत्तों में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। आप इतना पहले कहीं नोट कर लीजिए, ताश के कार्ड में जो पत्ते होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 52 कार्ड होते हैं। और 52 में भी देखिए 52 में यहाँ से 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 जो हैं वो काले पत्ते होते हैं। देखिए 52 कार्ड हो गए, 52 26 लाल 26 काले, आपको पता होगा इतना। उसके बाद देखिए लाल में भी दो पार्ट हो जाएंगे, काले में भी दो पार्ट हो जाएंगे। लाल में जो पार्ट होंगे वो कौन से होंगे, लाल में हमारा हो जाएगा एक पान हो जाएगा, लाल जैसे कहते हैं पान, उसमें का हो गया हर्ट, इसका पान का होता है हर्ट के शेप का होता है इसलिए हर्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर ईंट हो जाएगा, दूसरा ईंट का हो जाएगा डायमंड। देखिए हमारे लाल 52 कार्ड, 52 में एक लाल एक काला, एक लाल में हो गया एक पान एक ईंट, देखिए में लाल में हो गया पान और ईंट। तो अब हमारा बचा काला, काला में आपका क्या होगा, काले में आपका होगा देखिए 26 काले हैं, 26 काले में पत्ते, ये सब देखिए 13 13 सब पत्ते हैं, 13 पान के पत्ते हो गए, 13 ईंट के, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के। देखिए 26 काले पत्ते हैं जिसमें 13 पत्ते किसके हैं, हुकुम के। हुकुम को क्या बोलते हैं, स्पेड। हुकुम के 13 पत्ते हैं और चिड़ी के पत्ते कितने हैं, 13। इन दोनों के भी हमारे जो पत्ते हैं वो 13 13 पत्ते हैं। एक बार मैं ये फिर से आपको बता देता हूँ, कुल आपके ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 कार्ड्स, 52 में 26 लाल 26 काले, 26 लाल में 13 पान 13 ईंट, आपको इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद है 26 काले पत्तों में, काले पत्ते में जो है फ्रेंड्स 13 हुकुम है और 13 चिड़ी के पत्ते, आपका इतना क्लियर हो गया, 13 हुकुम 13 चिड़ी। ये देखिए हर्ट्ज डायमंड स्पेड क्लब, आप इसकी इंग्लिश भी याद कर लीजिए, इसकी इंग्लिश आप याद कर लेंगे तो आपका और सिंपल हो जाए। देखिए उसके बाद जो पान है, जैसे हो गया आपका पान पूछ लिया, पान में कुल संख्या कितनी होती है, मतलब कुल पत्तों के नाम क्या क्या होते हैं, पान ईंट हुकुम चिड़ी सभी में पत्तों के नाम सेम ही रहेंगे, वो नाम क्या, देखिए पहला हमारा बादशाह होता है, बादशाह बेगम गुलाम इक्का, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 तक पूरा होता है, आप इसको देख लीजिए एक बार। देखिए मैं पहला जो है बादशाह बेगम गुलाम इक्का, उसके बाद आप नंबर्स में आ जाएंगे 10 तक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे आपको पूछ लिया कोई फेस कार्ड, देखिए फ्रेंड्स बादशाह बेगम गुलाम ये सभी को कहते हैं फेस कार्ड, ये सब क्या है, फेस कार्ड, क्योंकि इन सभी में उनके चेहरे दिखते रहते हैं, बादशाह बेगम और गुलाम के चेहरे दिखते रहते हैं, इतना आपका क्लियर हो गया, फेस कार्ड है। उसके बाद लेकिन इक्का फेस कार्ड नहीं है क्योंकि इसमें किसी का चेहरा नहीं दिखता इसलिए फेस कार्ड नहीं है। उसके बाद अगर आपके नंबर कार्ड कौन कौन से, देखिए नंबर कार्ड, देखिए नंबर कार्ड कौन कौन से, नंबर कार्ड है 1 इक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे हो गए नंबर कार्ड, कुल हमारे संख्या 13 हैं। देखिए 3 हो गए फेस कार्ड, 10 हो गए हमारे, 10 क्या हो गए हमारे नंबर कार्ड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऑनर कार्ड भी होते हैं, ऑनर कार्ड देखिए OWNER, ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, ऑनर का मतलब एकदम से जो ऑनर हो, देखिए इन सभी में से ये सब तो नंबर सेम ही आपको लग रहा है लेकिन ऑनर कौन कौन से, बादशाह ऑनर है, बेगम है, गुलाम है, इक्का, आपने देखिए 4 आपके क्लियर, इस सभी ऑनर कार्ड हैं, ऑनर कार्ड देखिए 4। आप फ्रेंड देखिए आप अगर एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ तो बताता हूँ, देखिए 52 कार्ड, 52 कार्ड में 26 लाल 26 काले, 26 लाल में 13 पान के पत्ते 13 ईंट के पत्ते, और देखिए 26 काले पत्तों में 13 हुकुम के पत्ते 13 चिड़ी के पत्ते, इतना क्लियर हो गया आपका। उसके बाद देखिए इन सभी में देखिए एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं। उसके बाद देखिए फेस कार्ड 3 हो गया जिसपे चेहरा दिखता है तो 3 होते हैं, उसके बाद वहाँ नंबर कार्ड हो गया 10, नंबर कार्ड हमारे 10 हो गए, उसके बाद हमारा ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड हमारा हो गया 4,
चार हमारे ऑनर कार्ड होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यार इतना समझ लिया जितना मैंने आपको अभी बताया, इसके बाद इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं आएगा, जो है सब इसी में है पूरा। इतने में ही मैंने इसका पूरा निचोड़ दिया, जो भी है पूरा सब इसी में ही है। इसके बाहर से आपको ताश पे कहीं से भी सवाल आएगी नहीं, क्योंकि इतना होता है। देखिए इसको आप, इसमें जब सवाल आ गए तो आप कैसे करेंगे? अगर कोई सवाल आ गई कि कोई ताश का पत्ता है, अगर वो अच्छे से फेंटा गया है तो उसमें लाल रंग की प्रायिकता ज्ञात की, लाल पत्तों की प्रायिकता, तो आप कैसे कहेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल, देखिए हमारे लाल पत्ते कितने होते हैं, जैसे आपको प्रायिकता पूछ लिया पी रेड, जैसे हो गया ना। देखिए अगर प्रायिकता पूछा, पहले तो होता है कुल संभावित घटनाएं, देखिए कुल इसमें अनुकूल घटनाएं कितनी होती हैं, ऊपर लिखा जाएगा कुल संभावित घटनाएं, नीचे देखिए हमारे 52 कार्ड है कुल मिलाकर, तो पहले आप 52 लिख दिए, हमारे 52 कार्ड हैं। उसके बाद देखिए लाल आने की प्रायिकता कह रहा है, आप यहाँ ऊपर देखे थे लाल कितनी बार आता है, 26 लाल है इसमें, तो आप ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 26, बस हो गया। देखिए एक हो जाएगा यहाँ पर, दो हो गया आपका, इसके लाल आने की प्रायिकता हो गई 1/2, ये प्रायिकता आपकी खत्म। उसके बाद जैसे आपका कह दिया कि पान आने की प्रायिकता, जैसे देखिए पान, पान के अब क्या कहेंगे, जैसे पी हो गया हर्ट होता है इसका, तो देखिए पीएच बराबर, इसमें भी कुल 52 पार्ट होते हैं, 52 देखिए 52 कार्ड होंगे। उसके बाद देखिए लाल पान आने की प्रायिकता कर है, लाल पान आने की, तो देखिए ये क्या होगा, लाल पान 13 पत्ते होते हैं, 13 कर दीजिए, 13 × 4 = 52 हो गया, 1/2, आपके इतने क्लियर हो गए कि अगर ये पूछे कहीं तो इतना आएगा। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका पूछ ले कि लाल रंग का बादशाह कितनी आएगा, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता बताइए, तो देखिए अब ये बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, देखिए देखिए लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, देखिए बादशाह कितने होते हैं, बादशाह तो सभी में होते हैं, लेकिन सभी में होने के साथ साथ देखिए इसमें भी एक बादशाह होता है, एक बादशाह इसमें भी होता है, तो कुल हमारे 2 बादशाह हो गए लाल रंग में, 2 बादशाह हो गए। तो देखिए कुल हमारे संभावित घटना है 52 / अनुकूल घटना है 2, देखिए बराबर 1/26 हो गया, आपका बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/26। और फ्रेंड्स इसी के बाद अगर आपको कोई सी भी इसमें सवाल पूछ ले कोई सा भी, तो आप इसको बता सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहां पर डाउट लगा है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार मैं डेली आप सभी के लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।